लड़के के अंदर ऐसा क्या है, लोगों का तजस्सुस हो जाता है। ज़्यादातर लोग जो खींचे चले आ रहे हैं वो इसको पेश करने के लिए आ रहे हैं कि बिरयानी तो हमने बहुत खाई है, लेकिन मटके वाली बिरयानी में ऐसा क्या है, सच क्या चीज़ है। मेरा नाम अताउल मंदान है और मैं इस रेस्टोरेंट का ओनर हूँ। हमने ये सोचा कि कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस की जाए, कोई नया फ्लेवर, एक नया इंट्रोडक्शन किया जाए, तो हमने इस मटका बिरयानी को इंट्रोड्यूस किया है। मटके के अंदर तो प्रेजेंट किया, लेकिन इसको बनाया पूरा ट्रेडिशनल टेस्ट में ही है, कि इसके अंदर बिरयानी के अंदर प्रॉपर ट्रेडिशनल टेस्ट भी है और यहाँ के लोग इसमें स्पाइसेज भी हमने इसके अंदर ऐसे रखे हुए हैं कि लोगों को मज़ा भी है। इंग्रेडिएंट्स इसके वही हैं जो नॉर्मल बिरयानी में लगते हैं, ठीक है ना, इंग्रेडिएंट्स में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ इसका जो प्रोसेस है, एक्चुअल जो मेन चीज़ के अंदर जो फ़र्क है वो इसकी बनाने का तरीका और इसका प्रेजेंटेशन। स्टार्ट से मतलब मैंने इसी चीज़ ना कोई पब्लिसिटी की है ना कुछ किया, नॉर्मली बाहर से जिस तरह से वो बनते हुए आ रही है लोग देख के खुद ही चले आ रहे हैं। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, एक बार वो मटका बिरयानी खाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो दोबारा खुद ऑटोमेटिकली चले, मुझे बोलने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।